फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाटूनी। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी जन शॉक्ड होंगे कि ये किस लिए है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, परमानेंट मार्कर है मेरे पास। ये परमानेंट मार्कर किस लिए है और क्यों है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे एक्वेरियम इसमें हॉबी में। तो मैं इसे क्यों यूज़ करता हूँ, मोस्टली एक्वेरियम जो रखते हैं वो यूज़ करते हैं जो इन्हें एक्सपीरियंस है। अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू है और आगे जानना चाहते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ अपने प्लांटेड एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए। तो जैसे आप देख सक रहे हैं, मैंने एक टूथब्रश यूज़ किया हुआ है। इससे मैं जो भी एक्स्ट्रा एल्गी है मेरे प्लांटेड एक्वेरियम में वो रिमूव करूँगा। जो भी स्टोन में या प्लांट में या फिल्टर और हीटर में जो भी एल्गी एक्स्ट्रा जमा हुआ होगा वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ब्रश की हेल्प से। आप भी ब्रश यूज़ कीजिए अगर आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम है, उससे ईजी होता है, कॉर्नर कॉर्नर में आप पहुँच सकते हैं। और एक चीज़ और आपको वो कहूँगा, गाइड करूँगा कि आप जब भी आप अपना एक्वेरियम क्लीन करते हैं, चाहे वो प्लांटेड एक्वेरियम हो चाहे वो नॉर्मल एक्वेरियम हो, आप अपने एक्वेरियम का हीटर और फिल्टर 10-15 मिनट पहले स्विच ऑफ करके उसका प्लग निकाल लें। क्योंकि उससे ये होगा, आपका हीटर और फिल्टर फूकने का भी डर नहीं रहेगा और आपको शॉक लगने का भी डर नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं ब्रश की हेल्प से कैसे कॉर्नर कॉर्नर के जो भी एल्गी हैं या डस्ट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। इस तरीके से आप आराम आराम से क्लीन कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं साइफन यूज़ कर रहा हूँ। इस साइफन के आगे नेट लगा होता है, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस एक्वेरियम हॉबी में हैं तो ये साइफन ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपके एक्वेरियम की जो फिश है वो भी नहीं आएगी और ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो भी डस्ट होता है वो रिमूव कर देगा आपके एक्वेरियम से, और बहुत ईजी होता है इसे यूज़ करना। तो आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क लगा रखे हैं लेफ्ट साइड में, सॉरी जो आपके राइट साइड में है एक्वेरियम में, जो मैंने मार्क लगा रखे हैं एरो में, ऐसे आप परमानेंट मार्कर से मार्क कर सकते हैं अपने एक्वेरियम को मेजर करके। आप देख सकते हैं मैंने 20% ही पानी चेंज किया है। तो कुछ इस तरीके से आप परमानेंट मार्कर से मार्क कर लीजिए। ये आपको आप आगे हेल्प करेगा, जब भी आप एक्वेरियम साफ़ करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि आप 20% कितना क्लीन कर सकते हैं और 50% कितना क्लीन कर सकते हैं और आपको 100% कितना रखना चाहिए अपने एक्वेरियम में। तो कुछ इस तरीके से क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो मैंने टब में रखा हुआ है पानी, रेड रंग के टब में, ये मैंने जो समर सीवर का पानी है ये मैंने 4 दिन पुराना पानी है, और इसमें आपको एंटी क्लोरीन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी 4 दिन रखा था। तो इसका जो भी डस्ट होगा जो भी है वो सब नीचे है। अब मैंने क्लीन पानी ले लिया ऊपर से। अब इसमें मैं एक्वेरियम सॉल्ट डाल रहा हूँ 1/2 टीस्पून, जिससे जो भी बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन होगा इस पानी में वो सारा रिमूव हो जाए और मेरे फिश को कोई हार्म ना हो। इसे मैं अच्छे तरह से एक मग की हेल्प से मिक्स कर लूँगा। और अब इसे हम जो डालेंगे तो प्लांट और डेकोरेशन डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपना हाथ यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास कोई शीट है, कोई भी प्लास्टिक शीट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें हाथ यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी डेकोरेशन ख़राब ना हो, प्लांट को भी शॉक ना हो, मेरे फिशेस को भी कोई शॉक ना पड़े। तो आप आराम आराम से इसे पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसे डालेंगे। तो ये जैसे ही 100% हो जाएगा मैं इसे स्टॉप कर लूँगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और नॉलेज दूंगा कि जब भी आप एंटी क्लोरीन या कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब आप पानी चेंज करते हैं, तो पहले उसे यूज़ कर लें एक्वेरियम में डालने से पहले ही। जब आप किसी भी टब में या जो भी पानी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने 4 दिन पुराना पानी यूज़ किया अपने एक्वेरियम में, उसमें मैंने पहले से ही आपने जैसे देखा था मैंने सेपरेट कर लिया था एक बाल्टी में, उसमें ही आप पहले मेडिसिन यूज़ कर लें कि फिश को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे यूज़ मिक्स करने के बाद दोनों टेम्परेचर इक्वल करने के बाद, जैसे आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर है और जो आपके टब वाटर का टेम्परेचर जो आप नया डाल रहे हैं,
वो इक्वल हो, ऐसे डाल के फिर आप जो भी एक्स्ट्रा वाटर के स्पॉट्स हैं वो क्लीन कर लें अपने एक्वेरियम का। कुछ इस तरीके से मैं क्लीन कर लेता हूँ कि वाटर मार्क ना रहे, और हमें नीट एंड क्लीन भी रखना चाहिए अपने एक्वेरियम के एनवायरनमेंट को कि फिश को कोई डिजीज़ ना पहुँचे। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने 10-15 मिनट के लिए लाइट बंद करके रखा था कि फ़िश को कोई शॉक ना लगे। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको क्लीन करने के बाद। अभी मैंने फ़िल्टर बंद कर रखा है तो उसे भी चालू कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा एक्वेरियम। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि ये इसका क्या रोल है। तो इस तरीके से आप अपने एक्वेरियम में मार्क कर सकते हैं कि आपके एक्वेरियम का 100% कितना है, उसका 20%, 30%, 50% आप ऐसे एक कॉर्नर में मार्क करके रख सकते हैं। इससे आपको जब आप एक्वेरियम साफ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एक्वेरियम का पानी चेंज करना है। फ्रेंड्स मोस्टली मेरे पास ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हम पूरा पानी चेंज करें अगर आप का पानी गंदा हो गया। ज़्यादातर ये गोल्ड फिश वालों को प्रॉब्लम आती है जो गोल्ड फिश रखना पसंद करते हैं, क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा गंदा करती है, बट स्टिल बहुत सुंदर होती है गोल्ड फिश। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 100% चेंज करें, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे एक्वेरियम में जो फिशेज़ के लिए बहुत अच्छा होता है वो भी हट जाते हैं आपके एक्वेरियम से। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स मैं आपको ये कहूँगा 30% आप चेंज कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार अगर आपके बड़े बड़े फिशेज हैं और आपका पानी ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा है और आपको बहुत ज़्यादा ही चेंज करना है तो 80% to 70% इससे ज़्यादा कम ज़्यादा मत कीजिए क्लीन, वरना बिल्कुल ही जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो सब ख़त्म हो जाएगा और आपके फिशेज का मरना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये शिकायत आती है कि फिशेज मर गई और यही प्रॉब्लम आती है। तो 20 to 30% नॉर्मल आप किसी भी फिश का पानी चेंज कीजिए, चाहे वो आप टेट्रा पाल रहे हो, चाहे आप मॉली पाल रहे हो या गोल्ड फिश पाल रहे हो, कोई भी फिश पालिए उसमें 20 to 30% आप हफ्ते में 2 बार या 1 बार चेंज करेंगे तो इससे ही होगा आपका पानी का टेम्परेचर और एमोनिया ये सब मेंटेन रहेगा, यूजफुल बैक्टीरिया भी उसमें मेंटेन रहेंगे और आपके फिशेज को भी प्रॉब्लम नहीं होगा ब्रीदिंग में और उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और हाँ, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अभी जैसे ठंडी आ रही है अपने एक्वेरियम में हीटर रखिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके 60 to 80 के सेल्सियस के बीच में आपके फिशेस के हिसाब से। आप चाहे तो मेरी और वीडियो भी चेक कर सकते हैं कि मैंने उसमें बताया है कि कौन से फिश के लिए क्या टेम्परेचर होता है। और सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको जो भी क्वेश्चन पुटअप करना हो आप मेरे बॉक्स में जाके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर आंसर रिप्लाई करूँगा उस चीज़ का। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, आगे उनको भी हेल्प हो, और उस बेल आइकन को टैप कीजिए कि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ आप सभी को प्रॉपर नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।